सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना तो हम, अरे चुनो ना यार, कुछ जानते हो, बैठो। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। रहे, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया, हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था साथ पार्टी में। अध्यक्ष महोदय, अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष, क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असल समर्थन कर रहे हैं। सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए, इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता ही माननीय, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आपकी, आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं, गवर्नर इसको गवर्नर बनवा दीजिए। हमने ये कहा कि हम आरक्षण दे देते हैं, नामांकन का नियम बना देते हैं, लेकिन क्या हम किया है? बाबा भीमराव अंबेडकर में जब आरक्षण की बात दी थी तो हर 10 वर्ष पर समीक्षा की बात उन्होंने की थी, आज तक समीक्षा कोई नहीं किया है। यही बात हमने उठाया और हमने कहा कि गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। 16% करने में बहुत समय लगेगा, ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले, आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं, उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं, तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोह में चुचुअट होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक
मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं, सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।